अक्सर किसी न किसी पशु पर हर किसी कीट और पक्षियों का वास होता है। आज हम आपको कुछ चींटियों को फिल्माने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाएंगे आपको कि चींटी किस प्रकार से पुष्प को अपना वास स्थान बना सकती है। ये देखिए, कुछ कीट अपने लार्वा को यहाँ पोषित करने में लगे हैं। इसकी जो एंटीनानुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है वो विशेषकर इसे मार्गदर्शन और भोजन तक ले जाने में सहायक होती है। कुछ चींटियां अपने विश्राम कक्ष को ढूंढ रही हैं। पत्तों का अपना वास स्थान बनाने वाली ये चींटियां अक्सर छोटे पौधे और पुष्प कलिकाओं पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। चींटी एक सामाजिक प्राणी होता है, यानी कि ये समाज पर सामाजिक बंधनों जैसा अपना नियम बनाए रखते हैं। कुछ चींटियां सूरजमुखी के इस पुष्प कलिका पर विराजमान हैं और वह अपने आसपास के क्षेत्रों का विश्लेषण करती हैं। चींटियों में अक्सर एक मादा होती है, वह मादा बच्चे देने का कार्य करती हैं और सभी श्रमिक होते हैं जो अपने अन्य साथियों के लिए या अपने अन्य साथियों से मिलकर भोजन का विकास यानी कि भोजन का खोज करते हैं।